पुराने जमाने में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हम चिट्ठियों का सहारा लेते थे। ये चिट्ठियों पर कई गाने भी बने हैं। चिट्ठियों से बड़ी सियासत भी हुई है, लेकिन आज भी जब 21वीं सदी में हम हाईटेक हो गए हैं, सोशल मीडिया में मिनटों से हम संदेश भेज सकते हैं, तो चिट्ठी का क्या काम। लेकिन जनाब, सियासत के लिए ये सब कुछ जरूरी है, क्योंकि सत्ता में वापसी की कोशिश रही। कांग्रेस ने पत्र व्यवहार का सहारा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कहने के लिए छोटा राज्य है, लेकिन सियासी नजरिए से देखा जाए तो यहाँ भी जमकर सियासत होती है। चुनावों से पहले जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर जुटा है तो कोई डोर टू डोर कैंपेन में, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता वापसी के लिए पत्र व्यवहार सुना है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों सदन से लेकर सड़क तक कड़ाके की ठंड में पसीना बहा रहे हैं। अब कांग्रेस को ही ले लीजिए, चुनावी कैंपेन के लिए पत्र व्यवहार चुना है। वैसे तो जमाना सोशल मीडिया का है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि जो सोशल मीडिया से नहीं हो सकता वो पत्र व्यवहार से हो सकता है। तभी तो कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत जन प्रतिनिधियों और कांग्रेस नेताओं को पत्र भेजकर ये अपील करने जा रही है कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को ही चुने। इसके लिए बकायदा 25,000 पत्रों को भेजने का काम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जोर शोर से चल रहा है। 25,000 चिट्ठियां भेज रहे हैं, उसके बाद हमारा 1,00,000 चिट्ठियों का भेजने का टारगेट है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें सारे प्रदेश के ग्राम प्रधान, चाहे वो किसी के पार्टी किसी भी विचारधारा क्यों ना हो, सारे ग्राम प्रधान, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, सारे जिला पंचायत सदस्य और जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं तथा वो वरिष्ठ लोग, वो मौजूद लोग जो अच्छे कद काठी के लोग हैं, उन सबको हम इन पत्रों को भेजें। बीजेपी को ज्यादा भरोसा सोशल मीडिया पर ही है, तभी तो कांग्रेस के पत्र व्यवहार पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पत्राचार तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन इस जमाने में सोशल मीडिया से मिनटों में संदेश भेज सकते हैं तो भला पत्र व्यवहार का क्या मतलब है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम पर तंज कसा है। जो पत्र लिखा भी करते थे वो भी अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और फेसबुक से बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में परंपरा है, जो मुख्यमंत्री रहता है उसको पत्र, हरीश रावत जी ने ये परंपरा ज्यादा आगे बढ़ाई है, परंपरा पहले से पर आगे बढ़ाई है। उन्होंने हजारों पत्र जब मुख्यमंत्री बहुगुणा जी थे, तिवारी जी थे, उनको लिखे, और अब वो हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं 8,000 पत्र मैं लिख चुका हूं, कोई जवाब ही सरकार नहीं देती। तो जब उनकी अपनी सरकार पत्रों का जवाब नहीं देती तो उनके पत्रों का जनता क्या जवाब देगी। ये चुनावी अखाड़ा है, और ऐसे में सियासी दल जनता को लुभाने का वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं जिसमें सत्ता कब्जाई जा सके। लेकिन उत्तराखंड की जनता इतनी भोली भी नहीं कि यूं ही किसी को भी सत्ता की कुर्सी सौंप देगी। जनता को तोल मोल कर बेहतर तरीके से फैसला करना आता है। पंकज राणा, के न्यूज, देहरादून।